नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे गणित कक्षा 10 के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इससे पहले वाली क्लास में हमने मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। इसमें आपके पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा पहला सवाल है 135 और 225। तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। हल करते हैं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ए हम किसे लेंगे? बड़ी संख्या को ए लेंगे, यानी 225। और बी किसे लेंगे? छोटी संख्या 135, इसे हम बी लेंगे। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ए बराबर बी गुणा क्यू, यानी बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी होगा, लेकिन वह बी से छोटा होगा। हम यानी इसका प्रयोग करेंगे। अब यहां चरण फर्स्ट, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए। ए कितना है? 225 बराबर बी कितना है? 135। अब हम 135 का भाग 225 में देंगे। तो विद्यार्थियों, भाग एक बार जाएगा, यानी गुणा एक, और प्लस शेषफल बचेगा 90। तो इस प्रकार से लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, क्योंकि 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा और शेष पर 90 बचेगा। अब ये देखिए, 90 जीरो नहीं है और ये 135 से छोटा है। अब आपके दूसरा चरण शुरू करेंगे, चरण दूसरा। ये भाग की जो संख्या है आप रब कार्य में कर सकते हैं। अब यहाँ शेषफल जीरो नहीं आया, इसलिए चरण दूसरा शुरू किया। अब हम क्या करेंगे? बी और आर, इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। 135 लिखेंगे हम यहाँ ए के स्थान पर, बराबर
बी के स्थान पर लिखेंगे हम 90। अब 90 का भाग देंगे हम 135 में, यानी 90 का भाग किस में देना है, 135 में। तो विद्यार्थियों भाग एक बार जाएगा तो गुणा एक लिखेंगे, प्लस शेषफल बचेगा 45। अब यह देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 90 गुणा एक प्लस 45 बराबर 135। अब यहाँ शेषफल बी से छोटा है और शेषफल जीरो नहीं आया, तो अब यहाँ चरण तीसरा शुरू करेंगे, चरण थर्ड, तीसरा चरण शुरू करेंगे। बी और आर में बी को लिखेंगे हम ए के स्थान पर और आर को लिखेंगे यहाँ बी के स्थान पर। 90 बराबर 45, 45 का भाग 90 में देंगे हम, दो बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 45 दूनी 90 और शेषफल बचेगा यहाँ जीरो। अब यह देखिए इस चरण में शेषफल जीरो आ गया, तब यहाँ भाजक क्या था 45, ये हमारा एसीएफ होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ शेषफल शून्य हो गया है, अतः यहां एक सौ पैंतीस और 225 का एसीएफ बराबर कितना आएगा 45, और ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। हमें एसीएफ ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से हमने चरणबद्ध तरीके से एसीएफ ज्ञात किया, कितना प्राप्त हुआ 45। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को भी हम हल करेंगे। अब यहां दूसरा 196 और 38,220, इन दोनों का एसीएफ ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ ए हम किसे लेंगे, बड़ी संख्या 38,220 और बी लेंगे छोटी संख्या 196। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जीरो से बड़ा और जीरो से बराबर भी हो सकता है लेकिन वह बी से छोटा होगा। हम इसका प्रयोग करेंगे। पहला चरण, चरण फर्स्ट। अब यहाँ ए के स्थान पर हम लिखेंगे 38,220 बराबर बी के स्थान पर 196। अब हम 196 का भाग 38,220 में देंगे तो भाग जाएगा 195 बार, शेषफल बचेगा जीरो। तो यहाँ पहले चरण में ही शेषफल जीरो आ गया है, तो यहाँ भाजक कितना है 196, ये एसीएफ होगा इन दोनों संख्याओं का। तो हम ये लिखेंगे यहाँ शेषफल
शून्य प्राप्त हो गया है, अतः यहाँ 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा, 196, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया। चलिए इस पहले सवाल का तीसरा सवाल हल करते हैं। पहले सवाल का तीसरा सवाल 867 और 255, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो विद्यार्थियों इसे हम हल करते हैं। विद्यार्थियों या हम एक इसे लेंगे बड़ी संख्या, इसमें 867, और बी लेंगे छोटी संख्या 255 को। अब यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा, 0 से बराबर किंतु बी से छोटा। अब यहाँ सबसे पहले हम चरण फर्स्ट लेंगे, ए के स्थान पर 867 लिखेंगे बराबर बी के स्थान पर 255 लिखेंगे। अब यहाँ 255 का भाग 867 में देंगे तो यहाँ भाग 3 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 102। शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम अगला चरण शुरू करेंगे, चरण सेकंड। अब हम 255 में 102 का भाग देंगे, 255 इसमें हम 102 का भाग देंगे, 102 का भाग हम 255 में देंगे, दो बार भाग जाएगा और शेषफल बचेगा 51। अब यहाँ पे भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तब वापस हम चरण तीसरा शुरू करेंगे या हम 102 में 51 का भाग देंगे। अब 102 में भाग देंगे 51 का, 51 का भाग 102 में देते हैं, दो बार भाग जाता है और शेषफल बचता है 0। तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया है, तो यानी हमारा एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ भाजक कितना है 51, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51, और यह होगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था पहला सवाल। पहले सवाल के तीनों सवाल हमने हल किए कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से अभ्यास कीजिए, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।